Hello everyone, ADDI here and welcome back to ADDI Gaming. So guys, आज मैं SANHOK में खेल रहा हूँ solo versus squad और ये अभी मैं boot camp उतर रहा हूँ. तो guys बहुत ही extreme gameplay है यार, आप लोग देखना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, तुम्हें भी मजा आएगा. So यार ये boot camp में मैं उतरा हूँ main building पे और इस वक्त अब मुझे पता है कि एक और बंदा मेरे साथ सिर्फ मेन बिल्डिंग में उतरा है, बाकी जो चार पांच लोग हैं वो पहले वाली बिल्डिंग्स पे उतर गए. तो अब सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कोई एआर वगैरह कोई मिले ताकि इस बंदे को पहले मैं ठोकूं, उसके बाद फिर बाकी अपनी लूटिंग जारी रखूँगा. और अभी तक तो खाली क्यू बी मिली है जो कि मुझे नहायत बकवास गन लगती है और ये यू एम पी वगैरह लोग चलाने शुरू हो गए हैं, तो मैं बस ढूँढ रहा हूँ. चलो शुक्र बैरल मिल गई है यार. बैरल ना मेरी एक हिसाब से फेवरेट गन है इस गेम में, पता नहीं क्यों. और हम दोस्त वगैरह जो है ना इसको जलजला गन कहते हैं, तो आज से इसका नाम जलजला गन है. और जब मैं जलजला गन कहूँ तो समझ जाना कि बैरल की बात कर रहा हूँ मैं. तो चलो देखते हैं, अब जो एक बंदा यहाँ पर था वो कहाँ है. तो ये हमारा शिकार आ गया नीचे और ये बड़े घटिया है मैं, क्योंकि नोबड़ा तो मैं हूँ बट स्टिल भाई मारने में इसका कामयाब हो गया. बैरल का ये फायदा, देखो उसकी क्यू बी सी थी, मेरी बैरल थी, उसको मैंने फुड़का दिया तो मैंने उसकी क्यू बी सी भी चुरा ली है. और अब हेल्थ लगा लूँ मैं इससे पहले कोई और बंदा आके मुझे ठोके. इसके बाद अब जो कोई काम की चीज़ होगी तो फिर मैं आप लोगों को से मिलता हूँ. तो यार यहाँ से आगे अब जो कुछ होगा ना, जब तक कुछ काम का नहीं आता तब तक फिर मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सॉरी. तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आती है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आइंदा से यही चीज़ करता रहूँगा. चलो मिलते हैं फिर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद. हाँ तो यार ये ना बूट कैंप पे मेरे इर्द गिर्द बड़ी ही हैवी किस्म की लड़ाई हो रही है, लोग मार रहे हैं मर रहे हैं और मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा. यार ये मैं अभी भी लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे एनिमीज कहाँ हैं, लेकिन कोई बंदा नज़र मुझे आ नहीं रहा. तो मैंने सबसे एक पेन किलर यहाँ पर सबके साथ उठा लूँ जब तक कोई देख नहीं रहा, लेकिन कुछ काम का नहीं मिल रहा यार. फौरी हो रहा हूँ कि बंदा भी नहीं मिल रहा ना, तो मेरे पास अच्छा स्कोप है घूम रहा हूँ मैं. चलो दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ. हाँ तो यार बहुत देर से डील होने के बाद मुझे एक बंदे की गोलियां चलाने की आवाज़ आती है और ये मुझे मेरा शिकार नज़र भी यहाँ पर आएगा. अभी देखना बंदा मुझे नज़र आ गया, फिर इसको अब मैंने ठोकने. अच्छा यार ये पिंक एंड फायर का बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. अगर यहाँ पर मेरे पास स्कोप होती ना मैं ये बंदे को मार चुका होता, लेकिन स्कोप थी नहीं, मसला ये था. देखो यार बंदा अच्छा प्लेयर है, काफ़ी लाशें उसने वहाँ पर गिराई हैं. तो अभी मैं अपनी विंडो चेंज करके देखना कि बंदा मुझे नज़र है और मैं उसको मारूँ. और ये कम्प्लीटली ना मुझे समझ नहीं क्या हुआ, मेरे साथ गलती से जंप वाला बटन डूब गया था और ये बंदा बाहर आ गया, मेरा कैरेक्टर सॉरी बाहर आ गया था. फिर मैंने सोचा इसका रश ही कर देता हूँ, वो ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्कोप नहीं था इसलिए मैंने सोचा करीब जाके इसको ठोकेंगे. और अब भाई आपका यही करेगा, देखो ज़रा. है व्हाट अ किल, व्हाट अ किल फॉर इन नाउ, व्हाट अ किल. पिट में हेडशॉट इसको कहते हैं, पिट में हेडशॉट. चलो
यार ये मैं अब देख रहा था कोई और यहाँ पर बंदा बंदा तो नहीं है ना, क्योंकि नॉक हुआ था मैंने कहा शायद इसका कोई टीममेट वगैरह ना हो। तो चलो अब ओ माय गॉड, दो चार लाशें पड़ी हुई यार यहाँ पे। भाई बूट कैंप की तो पूरी लूट इसने अपने पास रखी हुई है यार, सप्रेसर रखा हुआ है, मेड किट्स वगैरह फर्स्ट एड किट्स रखी हुई है। ये देखो भाई सब सिक्स स्कोप है, क्या कुछ यार यहाँ इसके पास पड़ा हुआ है। अरे खाम में गरीब बने घूम रहे थे। चलो एक और फास्ट फॉरवर्ड मोशन के बाद में मिलते हैं। ये देखो यार लेवल 3 बैग, लेवल 3 हेलमेट, कितना कुछ है। ओके गाइस मीट यू आफ्टर फास्ट फॉरवर्ड। तो यार जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ बूट कैंप पर इस तरह घूम रहा हूँ जैसे मेरे बाप की जगह है। मेन बिल्डिंग पर मैंने कब्ज़ा किया हुआ है और यहाँ मैं बैठा हूँ, और ये मैं कब्जे से नीचे गिर गया था। उनका ना यार ये मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही थी बार बार गन फायर की, लेकिन कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा था। मैं वो बस देखने जा रहा हूँ कोई बंदा नज़र आए तो भाई ठोके उसको, स्नाइपर तो कोई है नहीं, क्यों भी जिसे मरूँगा सिक्स एक्स लगा के। अरे मजे, चलो अभी दरवाज़ा खोल लीजिए भाई, देखते हैं कोई नज़र आता है शिकार अपना। हाँ तो भाई बड़ी देर जलील और रुस्वा होने के बाद जब मुझे कोई शिकार नहीं नज़र आया तो वापस मेन बिल्डिंग पे कब्ज़ा जमाने आ गया हूँ मैं, क्योंकि अब जोन भी आ रहा है तो लोग यहाँ से गुजरेंगे तो सही। देखो कोई नज़र आता है तो ऊ मेडकिट, यार ये मेडकिट है, इसके लालच में अब मैं दोबारा जाऊँगा नीचे। अब ये मेडकिट लेनी पड़ेगी यार, एक तो ये मेडकिट मुझे बड़ा तंग कर रही थी, मैं ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था। फिर मैंने कहा यार थोड़ा स्प्रिंट करके जंप मारते हैं तो ये पहुंच जाएंगे, एंड वाला मेडकिट मिल गई, फर्स्ट एड भी, वो एनर्जी ड्रिंक भी मिल गई जो रेड बुल होती है, और वापस अब मेन बिल्डिंग की ओर। तो यार बूट कैंप की जो मेन टेक्निक है ना वो यही है, आप बस अगर अपने स्क्वाड के साथ हो या अकेले हो मेन बिल्डिंग पे कब्जा कर लो और पूरा बूट कैंप आपका है, क्योंकि पूरे बूट कैंप का आपको व्यू यहाँ से मिल जाता है। यार एक तो ये मेरे इर्द गिर्द हर तरफ से फायरिंग हो रही है लेकिन बंदे नहीं नज़र आ रहे, मुझे इस बात की बहुत तप चढ़ रही है, बहुत ज़्यादा कसम से, लेकिन क्या कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा शदीद तंग आने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि वेयर हाउस की तरफ जाऊँ, क्योंकि यहाँ से कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। शायद वेयर हाउस से भी आ जाए, देखो कार ने पेड़ लोग चला रहे हैं, इतना कुछ चला रहे हैं लेकिन नज़र नहीं मुझे आ रहे। तो अभी मैं वेयर हाउस की तरफ जाऊंगा, देखना जैसे अभी होने वाला है। एंड ये भाई जा रहे वेयर हाउस की तरफ, शायद यहाँ से कोई शिकार नज़र आए और मैं उसको मार दूँ। दरवाज़ा खुला हुआ है यार तो यहीं से कर देखते हैं, और ही एक बंदा नज़र आ गया। क्योंकि सिंगल पर तो मैंने कर दी लेकिन या निशाना सेट नहीं मेरा हो रहा था, तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि निशाना सेट हो और मैं मारूँ इसको। देखो यार जोन के बिल्कुल कॉर्नर पे इतनी हैवी लड़ाई हो रही है। और ये साली फेंस बीच में आई जा रही है बार बार, फायर मेरा लग ही नहीं रहा। कुत्ती फेंस, ये मेरा माउस हिल गया था भाई, क्या करें हम, करें तो करें क्या। जोन आ गया, बंदा जोन से भी भागेगा।
और भाई इसको मार रहे, भाई इस जोन से नहीं डर रहा ये। एक शॉट, दो शॉट, बस घबरा गया बेचारा। चलो हम भी थोड़े से घबराए हुए हैं, जोन की तरफ चलते हैं, करीब ही है। तो यार ये मैं ऑलमोस्ट जोन में पहुंच गया हूँ और ये एक बंदा M249 मेरे ख्याल से चला रहा है और इसकी आवाज़ सुन के मेरी थोड़ी सी फट गई थी। इस वक्त मैंने ध्यान तो नहीं दिया कि इस कौन सी गन चला रहा था, लेकिन बस मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं इसको मार दूँ और ये मेरी गन सिंगल पे हुई हुई थी। हालाँकि मैंने QBZ रखी थी सिंगल पे और ये गन भी मेरी सिंगल पे हुई हुई थी। इसको थोड़ा सा लूटें और फिर निकलते हैं। लिटरली यहाँ पर बहुत फट गई थी मेरी और बस अब हील कर रहे हैं और चलते हैं आगे। फिर हाँ तो यार ये मैं बड़े मज़े से जोन में जा रहा था, ये आगे से मुझे एक बंदा नज़र आया और ये वही बंदा है जिसको मैं QBZ से फायर नहीं दे रहा था, वही बंदा है। और ये अपने खिलाड़ी को रिवाइव कराया था और मैंने इसको मार दिया। काश पहले खिलाड़ी नॉक खिलाड़ी को मारता, दोनों की किल्स मुझे मिलती, लेकिन वट कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी एंड्योर। और ये मैं गिली सूट सिर्फ यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, गिली सूट मिले और MK14 भी यार मैंने निकाल दी क्योंकि जोन कुत्ता आया हुआ था और हेल्थ बहुत ज़्यादा खा रहा है। बस ये मेडिकेट उठाई है मैंने और भाग गया हूँ क्योंकि अगर एक दो सेकंड और मैं रुकता तो मैं गया था। हेल्थ देखो कितनी बच गई है। तो बस ये मेडिकेट लगाते हैं फिर अगले जोन में चलते हैं क्योंकि जोन बहुत बगैरत है और पीछे आ ही जा रहे हैं। पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता ये जोन। चलो गन वगैरह रीलोड करके निकलते हैं जोन में। यार मैं अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ ब्रिज के पास से क्यों जा रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि उस बंदे को जिसने नॉक किया था वो अपोजिट साइड पर था, इतना मुझे पता था, तो उनके लिए इजी टारगेट में ना बनूँ इस वजह से मैं ब्रिज के पीछे से जा रहा हूँ। मुझे पता जोन के बीच में, लेकिन क्या कर सकते हैं, गोली से मरने से बेहतर है बंदा जोन से मर जाए, दुख नहीं होता इतना। और गाइस स्पॉइलर अलर्ट, अब यहाँ से आगे जो मैच है वो 4v3 है, सॉरी 4v1 है, 3v1 है सॉरी। वो क्या है ना, मैच थोड़ा मेरा कमज़ोर है तो क्या कर सकती हैं। और ये भाई के ऊपर गोलियाँ चलनी शुरू हो गई लोगों की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे बच जाऊँ किसी तरह। हील हूल अपने लगाऊँ, उसके बाद फिर पंगे लेती हैं इनसे। तो जोन में मैं आ गया हूँ, बहुत ही अच्छी जगह पर यार, आज पहली दफ़ा मुझे जोन से खुशी हो रही है, पहली दफ़ा जोन किसी अच्छी जगह पर रुक है। देखो आधे मीटर मेरे से आ गया और ये बंदों ने मेरे पे नेड्स करना शुरू कर दिए हैं। अब देखो क्या होता है यार, इस वक्त मुझे पता नहीं था कि 3v1 है, लेकिन क्या कर सकती हैं, मैं सुपरमैन स्पाइडरमैन बनके खिड़की के अंदर से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यू नो पबजी इज पबजी नॉट सुपरमैन स्पाइडरमैन। तो ये घर के अंदर आ गया हूँ मैं और ये एक बंदा सामने आ गया नज़र, उसने भी मुझे देख लिए। तो यार इसलिए बेहतर ये था कि मैं अपनी खिड़की बदल के उसको मारता। और यार ये इसको हेडशॉट से मारा है। What the hell? यार ये क्या बकवास है, ना फुटस्टेप्स की आवाज़ आई है, ना कुछ, ना दरवाजे खुलने की आवाज़ आई है, हद होती है यार। नहीं यार ये मैंने कुछ तोड़ा नहीं, बस वैसे ही गुस्सा भी नहीं हूँ मैं, मज़े में हूँ, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो बस भाई फौत हो गया,
तो यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस मिलती रहें और आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।